मोहाली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कमीशन मांगने पर विजय सिंघला की गिरफ्तारी हुई है। विजय सिंघला को मोहाली थाने लाया गया। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री थे विजय सिंघला। भ्रष्टाचार मामले में सीएम भगवंत मान ने बर्खास्त किया था और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। आपको बताते चले, पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय सिंघला की हुई गिरफ्तारी। मोहाली थाना लाए गए विजय सिंघला, भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर पहले बर्खास्त फिर हुए गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमीशन मांगने पर विजय सिंघला की गिरफ्तारी। विजय सिंघला को मोहाली थाने लाया गया। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री थे विजय सिंघला। भ्रष्टाचार मामले में सीएम भगवंत मान ने किया है बर्खास्त। मोहाली से खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री विजय सिंघला की गिरफ्तारी। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय सिंघला की गिरफ्तारी। मोहाली थाना लाए गए विजय सिंघला, भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर पहले बर्खास्त और फिर गिरफ्तार। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मोहाली थाना लाया गया है विजय सिंघला को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड पंजाब से स्वर्णजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, मैं आपका रुख करूंगी। यहां पर पहले बर्खास्त किया जाता है पूर्व कैबिनेट मंत्री को और उसके बाद यहां पर अब गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कल दिन भर विजय सिंघला को लेकर लगातार मथा बची जो है वो पंजाब पुलिस के लिए बनी रही। भगवंत मान अपने वीडियो हैंडल से वो एक संदेश जारी करते हैं कि वो विजय सिंघला को बर्खास्त कर रहे हैं और तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर रहे हैं। उसके बाद विजय ये क्या लगाए जा रहे थे कि विजय सिंघला की गिरफ्तारी जो है वो शायद आज नहीं होगी, लेकिन फिर एकदम जानकारी मीडिया तक पहुंचती है कि विजय सिंघला की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिर प्रेस आर्ट मोहाली में लाया जाता है। हम रात भर टकटकी लगाए बैठे रहे मोहाली प्रेस आर्ट थाना में और विजय सिंघला को सामने नहीं लाया गया। रात होते होते करीब 10 बजे विजय सिंघला को अचानक से सामने लाया जाता है और अचानक से उन्हें ले जाने की प्रयास किया जाता है पंजाब पुलिस द्वारा। निकलते वो प्रेस आर्ट थाना में से ही है। पहले ये कहा जाता है कि वो प्रेस आर्ट थाना में नहीं है। मीडिया दिन भर वहां बाहर थाने के बाहर हम लोग बैठे रहते हैं और विजय सिंघला जो है सवालों के जवाब नहीं देते, बस एक शब्द बोलते हैं, या यूं कह सकते हैं एक लाइन बोलते हैं कि ये पार्टी को बदनाम करने का प्रयास है, ये विरोधियों का षड्यंत्र है और बस इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। और उनके साथी जो थे सृष्टि, वो अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आते हैं। वो वीडियो में भी देखा होगा हमारे दर्शकों ने, वो अपने साथी को बोल रहे हैं क्या हो गया, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखें। जो उनके साथी वहां पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए आए थे वो उल्टा उनका हौसला बढ़ाते हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की ये बहुत बड़ी एक तरह से मैं ये कहूंगा उपलब्धि है कि मौजूदा कैबिनेट मंत्री, और केवल 2 महीने हुए हैं सरकार बने को, और 2 महीने में भ्रष्टाचार का मामला सामने आना। और मैं एक और मैं बात बताना चाहूंगा सृष्टि दर्शकों को कि रंजीत सिंह सरकारी कर्मचारी हैं जिनके नवंबर में रिटायरमेंट होनी है, उन्हें बार बार ओएसडी द्वारा, जो कि ओएसडी विजय सिंघला के ओएसडी थे, उनके द्वारा बार बार उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा था कि 52 करोड़ रुपए के जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं उसमें 2% कमीशन जो है वो उनकी बनती है, 1.8 करोड़ रुपया दीजिए। उन्हें पहले पंजाब भवन में बुलाया जाता है, वहां बैठक होती है। विजय सिंघला ये कहते हैं ये जो ओएसडी है मेरे, ये समझ लीजिए कि जो ये बात करेंगे वो मैं ही बात कर रहा हूं। तो वो जो रंजीत सिंह है, वो जो कर्मचारी हैं, जो डेपुटेशन पर वो स्वास्थ्य विभाग में आए थे और वो बार बार कहते हैं कि मुझे मेरे विभाग में भेज दो, मेरी रिटायरमेंट को 7 महीने 4 महीने रह गए हैं, मैं जाते जाते अपने ऊपर कलंक नहीं लगाना चाहता। तो आप ये देखिए सृष्टि, करोड़ों से डील शुरू होते होते 5 लाख रुपए पे आकर के रुकती है। आखिरकार रंजीत सिंह को सचिवालय बुलाया जाता है जहां पर विजय सिंघला मौजूद होते हैं, ओएसडी मौजूद होते हैं, और उन्हें कहा जाता है कि आप, रंजीत सिंह उन्हें ऑफर करते हैं कि मैं 10 लाख नहीं 5 लाख रुपया दे सकता हूं। तो वो 5 लाख रुपए देने के लिए सहमति जताते हैं कि 3 लाख मेरे अकाउंट में है और 2 लाख मुझे इधर उधर से करने पड़ेंगे, मेरी लिमिट जो है अकाउंट की वो 3 लाख है। और इसकी आप ये देखिए इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है, लेकिन
मैं ये कहूंगा कि तारीफ करनी होगी उस सरकारी कर्मचारी की जिसने इतना बड़ा निर्णय लिया, और भगवंत मान की भी तारीफ करनी होगी, लेकिन उससे पहले उस कर्मचारी की जिसकी महज 4 से 5 महीने रिटायरमेंट को रह गए थे, जिसने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, पेश आठ मोहाली थाना में कंप्लेंट दर्ज होती है, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी गई है, जिसमें विजय सिंगला की आवाज भी कहा सूत्र बता रहे हैं, और ओएसडी की तो बात है ही, तो इतना बड़ा मामला बनता है। यही कारण है कि तुरंत भगवंत सिंह मान इस पर एक्शन लेते हैं और अपने अपने कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त करते हैं। सृष्टि, बिल्कुल सुरंजीत, इस मामले को लेकर के क्या और भी किसी पर गाज गिरने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है? देखिए, नहीं ऐसी अभी कोई बात नहीं है। ओएसडी जो है अभी, देखिए, विजय सिंगला जो है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पाए गए हैं, और ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी जो उनके थे ओएसडी साहब, वो उनके, ये भी यही कहा जा रहा है कि उनके रिलेटिव हैं। और सृष्टि, ये भी कहना चाहूंगा कि अभी तक किसी और के इस घटना के साथ जुड़े होने के सबूत तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, विजय सिंगला के लिए जो लगातार जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं, पेश किया जा सकता है उन्हें, और फिर उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें शायद न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। लेकिन विजय सिंगला के मुख पर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, आत्मविश्वास नजर आ रहा था। वो एक लाइन कहा उन्होंने हमारे कैमरा के समक्ष भी, गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने कहा कि केवल ये षड्यंत्र है और ये विरोधियों का षड्यंत्र है, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। और हमने जब उनसे सवाल किया पार्टी को बदनाम कौन कर रहा है, आप ही के तो मुख्यमंत्री ने, आप ही के नेता ने, विधायक दल के नेता ने आपको बर्खास्त किया है, तो पार्टी को कौन बर्खास्त करेगा? और ना तो ये मीडिया के पास उस समय तक खबर थी, ना ही विरोधी पार्टियों के पास थी, और एकदम से टॉप सीक्रेट जो है भगवंत मान ने इसे रखा हुआ था, तो कौन बदनाम करना चाहता? तो इस पर वो चुप्पी साध गए और एकदम से वो बैठ करके निकल गए, सृष्टि। लेकिन अभी तक किसी और के जुड़े होने की जी जो बात बात है वो सामने नहीं आई। बिल्कुल सुरंजीत, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये कदम उठाया, काफी सराहनीय कदम है, और उसके बाद से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान की जो छवि थी पंजाब की जनता की आंखों में वो और ज्यादा अच्छी हो चुकी है और इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है इस कदम के बाद। बिल्कुल सृष्टि, भगवंत सिंह मान जिस समय उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया, उनकी आंखें नम थी, और उन्होंने ये कहा कि मैं उन बुजुर्ग आंखों का क्या करूं जो मुझ पर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि पंजाब में करप्शन जो है वो कभी ना कभी खत्म होगी। और जब मैं वोट मांगने के लिए जाया करता था तब वो एक उम्मीद उन आंखों में मुझे नजर आया करती थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने जमीर के साथ क्या करूंगा, अगर मैं इस बात को दबा सकता था, किसी को पता नहीं था, लेकिन मैं अपनी जमीर को क्या जवाब देता, मैं अपने आप को क्या जवाब देता। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक, क्रांतिकारी, उन्होंने कहा नेता। एक बार उन्होंने उदाहरण भी दिया कि दिल्ली में भी ऐसा कदम उठाया अरविंद केजरीवाल ने, दूसरी बार जो है वो पंजाब में उठाया जा रहा है, और मैं अपनी जमीर की सुनूंगा, इसीलिए मैं तुरंत प्रभाव से विजय सिंगला को बर्खास्त करता हूं। तो यही कारण है इस समय पंजाब के हर विरोधी धड़ा, अगर हम विरोधियों की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे अकाली दल की बात करें, भगवंत सिंह मान की तारीफ पर तारीफ की जा रही है। लेकिन साथ ही एक और बात मैं बताना चाहूंगा, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो इस पर भी तंज करते हैं, वो इस पर भी कटाक्ष करते हैं, वो कहते हैं कि भगवंत सिंह मान ने यह सराहनीय कार्य किया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब रेत माफिया के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई जो है भगवंत सिंह मान करेंगे। तो देखिए, इस समय विरोधियों के खेमे में भी कुछ खासा बोलने को है नहीं, तो उनका काम है कि मौजूदा सरकार के ऊपर किसी ना किसी तरीके से प्रहार करना, वो अपनी बिल्कुल ड्यूटी निभाए रखेंगे, क्योंकि तो विपक्ष में भी कांग्रेस है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो पूरे पंजाब में इस समय वाहवाही जो है वो बटोर ली है भगवंत सिंह मान। बिल्कुल सुरंजीत, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।